वेलकम टू दिशा'स हब। दिशा'स हब में आज मैं एक बहुत ही यम्मी सी चटपटी सी टमाटर की चटनी लेकर आई हूँ। हाँ गाइस, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये देखिए, ये है चना दाल। तो एक छोटी कटोरी मैंने चना दाल ले ली है, और ये है पीनट यानी कि सिंग दाना, मूंगफली आधी कटोरी मैंने मूंगफली ले ली है। इन दोनों को मैंने धो लिया यानी कि भिगा लिया है, बस ज़्यादा हमें नहीं भिगाना है, और हमें एक से दो पानी से अच्छे से धो लेना है ताकि इसकी जो भी मिट्टी वगैरह जो भी है वो निकल जाए। धोने के बाद हमें इसका पूरा पानी स्ट्रेन कर लेना है, निकाल लेना है। निकालने के बाद हमें इसे थोड़ा सा भून लेना है। बहुत यम्मी चटनी बनने वाली है दोस्तों, बने रहिए एंड तक। तो गाइस, इस तरह से हमने स्ट्रेनर में ये देखिए अच्छे से दाल को डाल दिया और ये मूंगफली को, ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा जो भी है वो निकल जाए। अब इसे हमें भूनना है। भून लेंगे ना तो वो चटनी में बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है, और ये जो है इसका जो कच्चापन है वो निकल जाता है। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा तेल डालकर हल्का हल्का सेक लेना है। मैंने गैस ऑन कर दिया, और ये पैन है मेरा, ये नॉनस्टिक का है, आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं नॉनस्टिक इसलिए लेती हूँ कि इसमें तेल भी बहुत कम पड़ता है और जल्दी से भून जाता है। तो मैंने एक चम्मच तेल डाल दिया, बस अभी हमें इसे डालना है दाल और मूंगफली को और सेक लेना है। तो ये मैंने डाल दिया, और इसे हमें बीच बीच में सेकते रहना है। बस इसे सिम में छोड़ दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, पर बीच बीच में इसे सेकिएगा ज़रूर। तो वरना ये क्या नीचे से बोलते ना, वो थोड़ा सा अगर थोड़ा भी इसमें अगर वो नीचे से इसका जलने मतलब जल जाएगा ना, तो वो चटनी में जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट फिर बहुत अजीब सा आता है। हमें इसकी जो पानी सुखानी है कि जो हम इसे भिगाए थे, तो ये थोड़ा तो गीला होगा ही नेचुरली, तो इसका पानी जैसे सूख जाए और हल्का हल्का सा ये भुनने जब हम इसे भूनते ना, तो इसकी एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है, मतलब तो आपको पता ही चल जाएगा कि मतलब ये भुन गया है। अभी मैं आपको दिखाई दूंगी कि इसका टेक्सचर, इसका लुक कैसा आता है, किस तरह से हमें इसे मतलब भुनने के बाद ये कैसा दिखता है। तो अभी हमें इसे भुनना है, तो चलिए भुनते रहिए और अपना दूसरा काम भी आप करते रहिए। 2 से 3 मिनट हमने इसे भून लिया है, ये देखिए अब इसकी जो खुशबू है ना, वो खुशबू भी निकलने लग गई है। अब हमें ये 4 से 5 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है, और ये लाल मिर्च सूखे हुए लिए, इसका डंडी हम निकाल देंगे और इसको दो आधा करके वो भी इसमें डाल देंगे, और सिर्फ हल्का हल्का वो भी भून लेना है हमें। तो इस तरह से हमने ये देखिए, मैंने ये सूखी हुई लाल मिर्ची भी डाल दी और लहसुन भी डाल दिया, वो भी बस इसके साथ हल्का हल्का, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। क्योंकि मैं ये लास्ट में इसलिए डाली क्योंकि ये जो लाल मिर्च है ना, वो बहुत जल्दी जल जाती है, तो फिर उसका बहुत अजीब सा मतलब टेस्ट आता है। तो बस हमें ये डालकर ज़्यादा नहीं, बस 2 सेकेंड तक भूनना है बस। और 2 सेकेंड तक भूनने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालकर 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है, ताकि ये थोड़े भीग जाएंगे ना, तो चटनी हम इस आराम से मतलब हम पीस सकते हैं इसकी चटनी। बस 2 से 3 सेकेंड मैंने भून लिया है, और मेरे पास ये देखिए, ये इमली का पल्प, आप इमली है, आप चाहें तो पल्प ले सकते हो, इमली का प्यूरी ले सकते हो, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि फाइनली इसमें टमाटर भी डलने वाला है। तो ये इमली भी मैंने इसमें डाल दिया, बस गैस तो हमारा बंद ही है, ये डाल दिया। अब क्या करना है, इसमें तुम्हें थोड़ा सा मुझे पानी डालना है, तो पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा ही डालना है, जैसे कि ये थोड़ा भीग जाए इसमें, और भीगने से ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। फाइनली हमें चटनी ही ग्राइंड करनी है इसकी, और बस इसे अभी हमने छोड़ना है 10 से 15 मिनट जैसे कि थोड़े सॉफ्ट हो जाए और हमारी चटनी अच्छे से पिस जाए। तो गाइस, हमारा 5 से 10 मिनट हो गया है, मतलब ये भीग चुका है अच्छे से। तो हम इसे अभी मिक्सर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि ये हमने अच्छे से धो रखा था बिल्कुल, तो हमें पानी भी फेंकने की ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो आप दूसरा पानी बदल सकते हो, बट कैसे, मैंने तो सब कुछ धो के ही डाला था, तो मैं इसी पानी के साथ इसे मिक्सर में डालकर प्यूरी बना लूँगी। हाँ, और इसमें और भी एक दो चीज़ें अभी हमें ऐड करनी है, वो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो गाइस, मैंने वो सब कुछ डाल दिया, अपने मिक्सर में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जैसे कि मैंने बोला था, इसमें और भी कुछ चीज़ें पड़ेंगी, तो मैंने वापस से पैन ऑन कर दिया। फिर से हमें इसमें एक चम्मच तेल डालना है, ये देखिए एक चम्मच मैंने तेल डाल दिया, और तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा ना, फिर हमें डालना है इसमें प्याज। ये एक ऑनियन मैंने लिया है, जिसे कि मैंने एकदम रैंडमली इसे कट कर दिया है, क्योंकि इसे बारीक काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, फाइनली हमें इसे प्यूरी ही करना है। तो बस ज़रा सा तेल गर्म हो जाए और हमें ये ऑनियन डाल देना है।
ओनियन को ज़्यादा नहीं सेकना, इतना सेकना कि बस इसका थोड़ा कच्चापन निकल जाए। और ये सेके हुए की चटनी बहुत यम्मी लगती है दोस्तों। साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे, ज़रा सा बस, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि फाइनली जब हम तड़का देंगे ना तब भी कड़ी पत्ता लगेगा ही हमें, तो थोड़ा कड़ी पत्ता डाल देंगे। थोड़ी देर इसे प्याज को चलाना है हमें। अब प्याज देखिए हमारा हल्का हल्का हो गया, बस भुन गया। ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी होने लग गया है। अब मैंने ये देखिए एक टमाटर मैंने लिया है, एक बड़ा टमाटर बड़ा साइज का ले लिया। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप दो ले लीजिए। अब टमाटर डाल के भी हमें इसे बस एक से दो मिनट तक पकाना है ताकि टमाटर का कच्चापन भी निकल जाए। प्याज टमाटर को थोड़ा सा एक से दो मिनट तक सेक लेना है हमें। तो हमारा टमाटर भी एक से दो मिनट तक जैसे कि हमने सेक लिया है टमाटर को भी, अब बस हम इसे भी मिक्सर में डाल देंगे। उसके साथ इसकी यम्मी चटनी बनने वाली है, बहुत ही यम्मी लगती है दोस्तों। और हाँ, ये चटनी स्पेशली कभी कभी हम नीट डोसे के साथ भी खाते हैं। अगर आपने मेरा रेसिपी नीट डोसा नहीं देखा है तो अगर ये चटनी देख रहे हो तो वो भी देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है। और ये मैंने देखिए सब इसमें डाल दिया। एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर मैंने डाल दिया, आप अगर ज़्यादा तीखा खाना चाहते हो तो आप दो चम्मच भी डाल दीजिए, बट मैंने ऑलरेडी इसमें सूखी हुई लाल मिर्च भी डाली है तो इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और नमक हमें डालना है अब, ये देखिए ये एक और नमक तो स्वादानुसार ही पड़ेगा। इस चटनी को आप एक हफ्ते तक भी स्टोर करके रख सकते हो, बहुत ही अच्छी बनती है। दाल चावल के साथ भी आप कभी खाओ तो बहुत ही यम्मी बनती है दोस्तों। तो गाइस, ये हमने चटनी पीस ली है। चटनी थोड़ी सी गाढ़ी होती है, अच्छी लगती है, बहुत यम्मी लगती है। आप इसमें तड़का नहीं भी दोगे ना तो भी ये चटनी बहुत यम्मी होती है दोस्तों। और अब इसके ऊपर हम एक फाइनल तड़का देंगे जिससे कि और मज़ेदार बनने वाली है। तो ये मैंने छोटा सा पैन ले लिया है, इसमें एक चम्मच तेल डाल दूँगी। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा राई डालूँगी और करी पत्ता डालूँगी और ये तो लाल मिर्च सूखी हुई, और उसका तड़का इस पर लगाना है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें राई डाल देंगे। राई जैसे ही चटकने लग जाए हमें इसमें करी पत्ता और लास्ट में हमें ये सूखा हुआ लाल मिर्च डालना है और तुरंत फटाफट से चटनी के ऊपर डालना है। तो राई हमारी गर्म हो गई है दोस्तों, अब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे और ये भी डाल दिया। और फट बस झट से हमें गैस बंद करना है और फट से हमें इसके ऊपर ये डाल देना है। तो ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी यम्मी यम्मी चटपटी सी चटनी, और कभी भी ट्राई करिए आप। और आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, फिर हम मिलेंगे कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ ओनली ऑन देशाज हब पर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।